दोस्तों हमारे साथ हैं चंदनदीप सर, जो कि कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं चंदनदीप सिंह, मार्केटिंग हेड TND इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। तो अभी क्या है, आपने जो क्लिपिंग्स देखी हैं वो हमारे प्लांट की क्लिपिंग्स हैं। हम पिछले 14 साल से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि आप देख रहे हैं वहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर भी लगा, सारी मेजर कंपनीज के थ्रू आप इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया है, हम लेके आए हैं TND का लेज़र लैंड लेवलर। ठीक है, ये लेज़र लैंड लेवलर है, हमारी 2 साल की मेहनत के बाद, R&D के बाद हमने इसको मार्केट में लॉन्च किया है। तो अभी मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। इसका सबसे पहला फीचर जो है वो ये है कि इसमें जो वेल्डिंग है बहुत ही कम दे रखी है हमने, वो इसलिए इसको मजबूती देने के लिए। ये सारी की सारी शीट यहाँ से लेके और पीछे तक ये सिंगल शीट है, इसको बेंडिंग के थ्रू हमने कर्व दे रखे हैं और इसमें वेल्डिंग मिनिमम जितने की ज़रूरत है उतनी दी है, उससे ज़्यादा दी नहीं है। अंदर सारा का सारा बोल्ट से हमने कसा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा फीचर जो हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा फीचर है इसकी जो फ्रंट हुक है, फ्रंट हुक ये एडजस्टेबल है, किसी भी लेवलर में मार्केट में जो आ रहा है उसमें एडजस्टेबल फ्रंट हुक नहीं है, तो इसमें एडजस्टेबल है। इसके बाद हम इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में आते हैं, तो इसका सारा हाइड्रोलिक सिस्टम इनबिल्ट दे दिया हमने, बाहर इसकी कोई भी हाइड्रोलिक पंप सारा कुछ इसका कवर किया हुआ है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की केबल्स हैं, यहाँ पे हमने पुश उसके दे रखे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको अटैच करके किसान तुरंत अपना काम शुरू कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है, जो इसकी हाइड्रोलिक की पाइप्स हैं, आमतौर पे आप देखते होंगे कि हाइड्रोलिक की पाइप यहाँ तो ऐसे यहाँ पे पड़ी रहती है, यहाँ फिर बांधी हुई होती है ऐसे। हाँ जी सर। यहाँ पे उससे क्या रहता है, इसमें लीकेज होती रहती है, तो हमने क्या किया है, इसको ये लीवर दे दिया है जिसके साथ ये यहाँ पे फिट रहती है। जब आप काम नहीं कर रहे तो इसको फिट करके आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन समय पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और सर इसका काम, इसके में बताइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए ये हमने जो ये मास्ट बना रखी है, मास्ट में हर बार में 3 mm का एक चक्कर ये दे रही है। ठीक है सर। ठीक है जी, नहीं तो क्या होता है, कहीं 3 mm जाता है, कभी 5 mm जाता है दूसरे उसमें लेवलर्स में, इसमें यूनिफॉर्म जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी। और सर इसके बग के बारे में जानकारी दोगे सर, और इसमें ये पैप 2 लगे हुए हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देना सर। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम जैक दे रखे हैं हमने, ये जैक जो हैं ये अपना ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड रखने के लिए है। तो नॉर्मली क्या रहता है, यहाँ पे 2 नट बोल्ट दे रखे होते हैं, तो उसको नट बोल्ट हम कस देते हैं जब रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन जब हो रही होती है, तो जो ट्राईपॉड है ज़्यादातर गिर जाता है नीचे। ठीक है, उससे जा तो लेवलर का नुकसान होता है, या टायर फटते हैं, या फिर लेवलर मिलता नहीं है किसान को, इसलिए हमने। उसके बाद आपने ये पाइप का पूछा है। हाँ जी सर। तो सर ये पाइप्स जो हमने दे रखे हैं ये किसान भाइयों की सहूलत के लिए दे रखे हैं, जो ऑपरेट कर रहा है इसको, लेवलर को जो ऑपरेट कर रहा है, वो अपने ही सीट से बैठ के पीछे मिट्टी कितनी गिर रही है, कितना भरा हुआ है, वो सारा देख सकता है। ठीक है सर। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सारी सेटिंग चेंज कर सकता है। ठीक है सर। और सर इसकी जो बकट है वो कितने mm की सीट से बनी हुई है? देखो इसकी ये वाला जो पार्ट है ये 10 mm है। ठीक है सर। और जो यहाँ वाला पार्ट है ये 8 mm है। ठीक है सर। ठीक है जी। तो इसको हमने पूरी मजबूती से बना रखा है ताकि इसको फील्ड में ऑपरेशन के दौरान इसमें कोई दिक्कत ना आ पाए। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है, हमने व्हील्स में अलॉय कट दे रखे हैं। ठीक है जी, अलॉय प्लेट्स दे रखी हैं, और शायद ही आपने किसी लेवलर में, मैंने किसी में नहीं देखा पहले तो, आपने नहीं देखी होगी। हाँ सर। ये क्या है, आज का जो यूथ है वो एक अट्रैक्शन चाहता है। सही है सर। तो उनकी अट्रैक्शन के लिए हमने ये दे रखा है, अलॉय दे रखे हैं। और सर इसके जो पीछे हिस्सा दिया गया है, एक्सल दिया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दोगे सर? देखो जो एच फ्रेम है, हाँ जी सर, हमने क्या किया है, जो एच फ्रेम है इसको यहाँ से 6 बोल्ट पे हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब हम स्टील की हब से इसको हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है मजबूती देने के लिए। ठीक है। और आप एक चीज़ और इसमें खासियत देखिए, जब
ये अपना जो फ्रेम है एच फ्रेम है, हाँ जी सर, ये एच फ्रेम बाकियों से बहुत ज़्यादा हैवी दे रखा है हमने। और एक इसका सारे का सारा बाकी सब कंपनीज जो हैं आपको 7 क्विंटल 40 किलो के ऊपर कोई भी बकेट नहीं मिलेगी, ये 8 क्विंटल और 25 किलो की बकेट है। ठीक है सर, हमने हर जगह पे यूनिफॉर्म वेट दे रखा है, कहाँ पे कितना वेट देना है ये सारा हम टेक्निकली मैकेनिज्म के साथ हमने इसमें किया हुआ है। इसको सर ट्रैक्टर चला सकता है सर, कितने एचपी ट्रैक्टर चला सकता है इसको? इसको देखिए नॉर्मली 55 से 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। ठीक है सर, इस लेवलर को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन हमारे डिज़ाइन के हिसाब से ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी बड़े आराम से इसको चला सकता है। उसके बाद सर इसके बारे में क्या कर दोगे सर, ये लॉक किया गया है? देखिए ये हमने जो लॉक लगाया है ये किसान भाइयों की सहूलत के लिए लगाया है, जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं घर से अपने खेत में जा रहे हैं तो इसको तो अपना जो रिसीवर है इसको तो ट्रैक्टर के ऊपर लेके जाता है वो। ठीक है सर। ठीक है जी, ट्राईपॉड को ट्राईपॉड स्टैंड में रख के ले जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और जो कंट्रोल पैनल है वो ट्रैक्टर के ऊपर माउंट रहेगा। तो इसके बाद जब हमने जो इसका ट्रांसमीटर है, ठीक है सर, वो इस बॉक्स में यहाँ पे सेफ है। ठीक है सर। ठीक है जी, और इसके अलावा भी आपको एक और फीचर मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमने ये दो बोल्ट से दो बोल्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है सर। एक और दो, इन दोनों को खोलोगे तो इसका जो भी आपने जैक की एडजस्टमेंट करनी है जहाँ टॉप लिंक की एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैक का कोई भी काम करो टॉप लिंक का तो ऊपर जहाँ खोल कर खुल जाता है सर, ऊपर से सारा खुल जाता है। नहीं तो नॉर्मली आप क्या देखते हैं, जब आपने ट्राई इसकी एडजस्टमेंट करनी है टॉप लिंक की एडजस्टमेंट करनी है तो जो हमें वो पहले ये खोल के रखना पड़ता है, ये खोल के पड़ता है, इनबिल्ट ही है, इसको आप ना तो खोल सकते हैं ना खोलने की जरूरत है सर। हाँ जी। और सर एक मैं यहाँ पे देख रहा था जी, यहाँ पे बैरिंग लगी हुई है, वो बैरिंग के साथ जो पत्ती दी गई है इसका क्या काम रहता है सर, इसको क्यों लगी हुई है ये? देखिए इसमें बैरिंग दे रखे हैं हमने, बैरिंग इसलिए दे रखे हैं कि इसको मजबूती रहे। ठीक है सर। लेकिन इन केस बहुत कम केस में होगा, अगर ये बैरिंग यहाँ से कोई दिक्कत आ जाए बेरिंग में तो जो प्लेट दे रखी है ये इसकी सपोर्ट के लिए दे रखी है। ठीक है सर। और अगर उसने 20-50 किलोमीटर जाना भी है तो बड़े आराम से इसको लेके जा सकता है, मतलब बैरिंग टूटने के बाद भी आपका लीवर वर्किंग में रहेगा, के बाद भी वर्किंग में रहेगा। ठीक है सर। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद सर ये लगे हुए हैं स्टीकर, इसका क्या काम रहता है? देखिए ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में लेवलर जा रहा है। ठीक है सर। तो पीछे से जो भी व्हीकल आ रहा है उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, ये रिफ्लेक्टर इसलिए दे रखे हैं हमने। ठीक है सर। और सर उसके बाद मैं आपका यही सिस्टम देख रहा था, इसके बारे में थोड़ी सी त्रिकंडी के बारे में जो ट्राईपॉड है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दोगे सर हमारे साथ? देखो ये जो ट्राईपॉड है हमारा इन हाउस है। ठीक है सर। ठीक है जी, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है किसान भाइयों की सहूलत के लिए। इसमें अगर आप देखेंगे इसके ऊपर लगा हुआ है ये T1500 मॉडल है। ठीक है सर। और जो बकेट के साथ हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं T1500 NTX मॉडल। ठीक है सर। ठीक है जी, NTX मतलब जनरेशन नेक्स्ट, T1500 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल। इसमें हमने देखो स्प्रिंग दे रखा है। ठीक है सर। ठीक है जी, इसको जितना ऊपर आप करना चाहोगे यहाँ से उसके बाद यहाँ से कस दोगे आप। ठीक है सर। चलो ठीक है सर। ठीक है जी सर, अगर किसान भाई ने आपका TND का ये सिस्टम लेना हो तो कैसे और कहाँ से ले सकता है? देखिए पूरे इंडिया में हमने डीलर नेटवर्क है हमारा, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश अपना उत्तराखंड हर जगह पे अपना नेटवर्क है, MP में भी है, और साउथ इंडिया में हम नेटवर्क बनाने जा रहे हैं अभी। ठीक है सर। ठीक है जी, वो इसलिए हम बनाएंगे क्योंकि हमने जो लेवलर लॉन्च किया है उसके लिए। ठीक है सर। बाकी किसी किसान भाई ने लेवलर लेना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए आप, 98786-3660। ठीक है जी, 9878636060। बाकी इसके जो भी ये वीडियो चलेगी इसके नीचे ये नंबर दिए जाएंगे और आप कमेंट भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है सर। दोस्तों जे थे चंदनदीप सर, जिन्होंने हमें TND एंड उनके सिस्टम के बारे में, लेजर लेवलर के बारे में जानकारी दी। दोस्तों अगर आप भी TND का लेज़र लैंड लेवलर लेना चाहते हैं तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर स्पर्श कर इस लेवलर को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल विश्वकर्मा दर्पण चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।